हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आप सभी का अभियान 40 आईएएस में स्वागत है। जैसा कि आप दोस्त जानते हैं, सभी युवा साथी के लिए आपको अभियान 40 आईएएस के माध्यम से हर एक टॉपिक का थ्योरी के साथ साथ प्रैक्टिस क्वेश्चन भी लाया जाता है, जो क्वेश्चंस प्रीवियस एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। खास करके वो क्वेश्चन यूपीएससी, उत्तर प्रदेश पीसीएस, बिहार बीपीएससी, जेपीएससी और अदर स्टेट पीसीएस के सवाल होते हैं। सबसे पहले हम आज टॉपिक का डिस्कशन करेंगे। उस टॉपिक का नाम है वेक्टर एंड स्केलर। वेक्टर स्केलर की जब चर्चा होती है तो सबसे पहला सवाल आता है कि सर वेक्टर किसको बोलते हैं, स्केलर किसको बोलते हैं। ना वेक्टर का देखो यहाँ पर सदिश है, यानी सह प्लस दिश, यानी जिसके साथ दिशा हो, यानी जिसके साथ क्या हो, दिशा हो, उसको हम लोग सदिश बोलते हैं। जिसके साथ दिशा नहीं हो, आह दिश, जिसके साथ दिशा नहीं हो उसे हम लोग अदिश बोलते हैं। यानी बात करेंगे इसमें ओनली मैग्नीट्यूड होता है। किसमें सर? स्केलर क्वांटिटी में ओनली मैग्नीट्यूड होता है। ओनली मैग्नीट्यूड का मतलब हिंदी में आप कहोगे सर सिर्फ परिमाण होता है। सिर्फ क्या होता है? परिमाण। दिशा नहीं होती है, दिशा नहीं होती है, यानी आप कह सकते हो नो डायरेक्शन। क्लियर है? लेकिन जब हम लोग बात करते हैं सर वेक्टर के लिए, तो वेक्टर की जब बातें होगी तो सबसे पहला चीज इसमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ, मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी होता है, यानी आप कह सकते हैं परिमाण भी होती है, साथ ही साथ दिशा भी होती है। उस क्वांटिटी को हम लोग वेक्टर कहते हैं, और जिसमें सिर्फ परिमाण हो, दिशा नहीं हो, उस क्वांटिटी को हम लोग स्केलर कहते हैं। क्लियर है? एज फॉर एग्जाम्पल की जब बातें होगी सर, सबसे पहले अगर हम लोग एग्जाम्पल की बात करते हैं सदिश में, तो सबसे पहला आपका है बेग। बेग को आप लोग वेलोसिटी कहते हैं। दूसरा हमारा है बल, जिसको आप अंग्रेजी में फोर्स कहते हैं। तीसरा हमारा है त्वरण, जिसको आप अंग्रेजी में एक्सीलरेशन बोलते हैं। ये सब कैसी क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी है। इस क्वांटिटी में मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी होती है। लेकिन यहां जब बात करेंगे सर तो दूरी, दूरी मतलब डिस्टेंस, डिस्टेंस हमारा स्केलर क्वांटिटी है। दूसरा हम लोग बात करेंगे आयतन, आयतन मतलब वॉल्यूम, ये हमारा जो है स्केलर क्वांटिटी है। हम बात करेंगे समय, समय यानी टाइम, ये भी हमारा कैसा क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी है। स्केलर क्वांटिटी के बारे में आप जान चुके हैं, जिसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होगा उसको हम लोग वेक्टर क्वांटिटी बोलते हैं। जिसमें वॉल्यूम मैग्नीट्यूड होगा उसको हम लोग स्केलर क्वांटिटी बोलते हैं। लेकिन फिर यहां बात होता है, एक आपका है विद्युत धारा। क्या है सर? विद्युत धारा, जिसको आप अंग्रेजी में इलेक्ट्रिक करंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं सर? इलेक्ट्रिक करंट। इस क्वांटिटी के साथ मैग्नीट्यूड भी हो है, मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है, परंतु ये क्वांटिटी वेक्टर नहीं। क्या है सर? स्केलर है। स्केलर का मतलब अदिश राशि है। इसलिए है क्योंकि इस क्वांटिटी के पास परिमाण और दिशा दोनों होते हुए भी स्केलर इसलिए है क्योंकि लॉज ऑफ वेक्टर का पालन नहीं करता है, यानी आप कह सकते हैं सदिश के नियम का पालन नहीं करता है। जैसे एग्जाम्पल बताते हैं, गौर से समझिएगा, इस बात को समझने की कोशिश करेंगे। जैसे एक बात बताइए, केंद्र में बीजेपी की सरकार है। किसकी सरकार है? भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। अगर बिहार में टोटल 40 आपके एमपी, यानी 39, 40 टोटल एमपी का सीट है, जिसमें भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन के द्वारा 39 यानी 39 एमपी हैं, क्या सभी एमपी बीजेपी के हैं? सभी एमपी यदि बीजेपी के हैं, यानी मैग्नीट्यूड भी है, डायरेक्शन भी है, उसी पार्टी के हैं और उसी आपका क्या उनका वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी है। लेकिन सभी लोग मिनिस्टर नहीं बन सकते हैं, क्योंकि सभी पार्टी का अपना अपना नियम होता है,
रूल्स होता है जिसके हिसाब से कुछ ने कुछ गठबंधित गठबंधन में जो पार्टियां होती उसको देना पड़ता है। इसीलिए सभी बीजेपी के एमपी मिनिस्टर नहीं बन सकते हैं, यानी उसके साथ मैग्नीट्यूड भी है, डायरेक्शन भी, यानी कह सकते वो एमपी का भी चुनाव जीता है और उसके साथ डायरेक्शन है कि वो बीजेपी का है तो भी मिनिस्टर नहीं बन सकता है, क्योंकि सभी पार्टी के अपने अपने नियम होते हैं, नियमानुसार चलते हैं। हम लोग आते हैं सर टॉपिक को डिस्कस करेंगे दोस्तों, टॉपिक का डिस्कशन हमारे पास देखिए क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को बारीकी से समझने का प्रयास कीजिएगा सर। सबसे पहला आपका क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी राशि सदिश राशि है? सदिश का मतलब वेक्टर क्वांटिटी कौन है। वेक्टर में हमने बताया है कि जिसमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन हो, वैसे क्वांटिटी को हम लोग वेक्टर क्वांटिटी यानी सदिश राशि कहते हैं। अब यहां हमारे पास सवाल उठ रहा है, सवाल क्या है गौर से समझने की जरूरत है। पहला आपका है कि सर टाइम, दूसरा हमारा है स्पीड, तीसरा हमारा है डिस्प्लेसमेंट, चौथा हमारा है डिस्टेंस। क्वेश्चन पूछा जा रहा है, ये सवाल यूपीपीसीएस 2014 का सवाल है। आप लोग कमेंट करके भी आप ऑप्शन बताएंगे सर। सबसे पहले अगर हम लोग चर्चा करें सर कि समय की बात, समय स्केलर क्वांटिटी है क्योंकि समय में डायरेक्शन नहीं है, स्पीड भी हमारा स्केलर क्वांटिटी है, विस्थापन हमारा वेक्टर है क्योंकि वेक्टर इस डिस्प्लेसमेंट में विस्थापन में मैग्नीट्यूड और साथ साथ डायरेक्शन होता है, लेकिन डिस्टेंस की बात करेंगे तो ये हमारा स्केलर क्वांटिटी है, इसमें ओनली मैग्नीट्यूड होता है। और आप अब समझ ही चुके होंगे कि आंसर कौन होने वाला है, यानी सिर्फ सिर्फ परिमाण है। तो देखिए क्वेश्चन जो हमारा था, क्वेश्चन हमारा था दोस्तों, बोला था कि सर वेक्टर पता कीजिए, वेक्टर हमारा एक ही है ऑप्शन नंबर सी, सी इज द राइट आंसर, यानी विस्थापन जो है इसमें से वेक्टर क्वांटिटी है। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास स्क्रीन पर दिख रहा है दोस्तों, इस क्वेश्चन को आप आराम से समझेंगे। ये सवाल में वही बात पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी सदिश, सदिश का मतलब वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर में अभी जस्ट चर्चा हुआ कि मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन होना चाहिए, है ना। यूपीपीसीएस 97 का ये क्वेश्चन है। पहला आपका है मोमेंटम, दूसरा हमारा है प्रेशर, तीसरा हमारा है एनर्जी, चौथा हमारा है वर्क। यही सारे ऑप्शंस हैं, पहला संवेग, दाब, एनर्जी, कार्य। अब देखो सर सबसे पहली बात, वेक्टर बोला है, देखिए ये तीनों जो है स्केलर क्वांटिटी है, ये तीनों कैसी क्वांटिटी है, स्केलर है, और मोमेंटम जो है पी बराबर एम वी, ये हमारा जो है वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर का मतलब सदिश राशि है, सदिश राशि होने के लिए क्या कंडीशन है पढ़ाया गया है, परिमाण के साथ साथ दिशा भी होनी चाहिए, यानी आप कह सकते हो सर मैग्नीट्यूड के साथ डायरेक्शन कंपलसरी है तभी वो वेक्टर होगा। ऑप्शन नंबर कौन सा होगा सर, सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग आते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 है। इस क्वेश्चन को समझने का प्रयत्न करेंगे, निम्नलिखित में से कौन सी राशि सदिश नहीं है, इसका मतलब है अदिश यानी स्केलर खोजिए, इसका मतलब स्केलर, क्योंकि सदिश नहीं तो क्या होगा भैया, अदिश। पहला ऑप्शन है डिस्प्लेसमेंट, दूसरा ऑप्शन है वेलोसिटी, तीसरा हमारा है फोर्स, चौथा हमारा है वॉल्यूम, यही हमारा ऑप्शंस है।
अब देखो यहां पर बातें जब उठती है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, ये भी वेक्टर है, ये भी वेक्टर, ये हमारा क्या है सर, स्केलर है। स्केलर यानी अदिश है, इसका मतलब इसमें ओनली क्या है दोस्तों, मैग्नीट्यूड है। ओनली मैग्नीट्यूड का मतलब सिर्फ परिमाण है। ये हमारा क्लियर हो गया, इसका ऑप्शन भी आप क्लियर हो गया सर, कोई दिक्कत नहीं, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग आते हैं। विद्युत विभव बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, इस सवाल को प्रयास करेंगे समझने का। विद्युत विभव इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के संदर्भ में निम्नलिखित में कथनों में से कौन सा सही है? पहला है यह एक अदिश राशि है, यह एक सदिश राशि है। नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन करें। यह यूपीएससी 2021 ठीक पिछले बार संघ लोक सेवा के आयोग के द्वारा यह क्वेश्चन पूछा गया था। लोग बोलते हैं सवाल की बात, सवाल की तो भरमार है, आप देख सकते हो सर। सबसे पहले जैसे हम लोग चर्चा करेंगे सर, तो देखो पहला बोला केवल एक, केवल दो, एक तथा दो, ना तो एक ना ही दो, ये यूपीएससी 2021 का सवाल है दोस्तों। सबसे पहले अगर हम लोग चर्चा करें इसके बारे में, किसके बारे में, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में, इसमें आपका ये आपका कैसा क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है। स्केलर का मतलब अदिश राशि है। अदिश राशि के बारे में आप जानते हैं, इसमें ओनली मैग्नीट्यूड होगा। लेकिन आपको अभी भी बताए थे कि विद्युत धारा के साथ, हमने बताया था विद्युत धारा के साथ मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होने के बाद भी वो अदिश राशि है। इसके अकॉर्डिंग अगर आप चर्चा करेंगे, हमारा होगा केवल एक, यानी केवल एक का मतलब यह एक अदिश राशि है, यही बात सही है। क्लियर है? चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग एक पर आते हैं सर। क्वेश्चन नंबर एक क्या कहता है, क्वेश्चन को समझिएगा। निम्नलिखित में से कौन सी, देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सी राशि अदिश राशि है। अदिश का मतलब होता है स्केलर क्वांटिटी है। स्केलर को बारे में आप जान चुके हैं कि ओनली मैग्नीट्यूड की चर्चा होगी। ओनली किसकी चर्चा होगी, मैग्नीट्यूड की चर्चा होगी। पहला ऑप्शन है फोर्स, दूसरा है प्रेशर, तीसरा है वेलोसिटी, चौथा है एक्सेलरेशन। आप देख सकते हैं पहली की चर्चा आप करेंगे, फर्स्ट हमारा वेक्टर है, सेकंड हमारा स्केलर है, थर्ड हमारा वेक्टर है, चौथा हमारा वेक्टर है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। प्रेशर जो है स्केलर क्वांटिटी है। क्लियर है? इसी तरह से आप लोग जितने भी साथी हैं, सभी साथी से हम्बली रिक्वेस्ट है, मैं टॉपिक बाय थ्योरी के साथ क्वेश्चन कराता हूं। देखिए अभी सवाल हमने कराया ये बीपीएससी 2019 का है, दूसरा सवाल आप बात करोगे यूपीएससी 2021 का सवाल है सर, यूपीएससी 2021 का सवाल है। क्लियर है? तीसरा आप चर्चा करोगे, तीसरा हमारा बीपीएससी का सवाल है, बीपीएससी का सवाल है। अब किस साल का है, रुक जाइए एक मिनट, आपको पता चल जाएगा, 2001 का सवाल है। क्लियर है? फिर आगे चर्चा करोगे, नेक्स्ट क्वेश्चन भी यूपीएससी 97 का सवाल है, अगला भी क्वेश्चन चर्चा करोगे यूपीपीसीएस का सवाल है। हम आपको प्रयास करते हैं कि टॉपिक वाइज थ्योरी बताएं, टॉपिक वाइज जैसा क्वेश्चन परीक्षा में आता है उस हिसाब से आपको तैयार कराएं कि आप अपनी सफलता को आराम से मंजिल पा सकें। आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है और आप लोग सभी दोस्तों से आग्रह है कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लोगों के बीच भेजिए, कमेंट कीजिए, फीडबैक जरूर दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद साथी।